जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। डीवी भारती समाचार चैनल पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य राजेंद्र वेदी शास्त्री, राजगढ़ झांसी। सबसे पहले राशि है मेष। मेष राशि वालों को आपको आज के दिन भाग्य का उदय होगा। नए पद की प्राप्ति, स्थानांतरण जैसी स्थितियां भी आपको आज के दिन बन रही हैं। दूसरी राशि है वृक। वृक राशि वालों को आपको आज के दिन घर परिवार मित्रों से अच्छे संबंध रहेंगे एवं शत्रु परास्त होंगे। आपको वाहन से सचेत सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों को आपको आज के दिन कोई सरकारी राजयोग बन सकता है। नौकरी में फार्म डालते हैं राज्य स्टेट में या केंद्र स्टेट में, तो आपका अवश्य योग बन रहा है। चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि वालों को आपको आज के दिन आज किसी अजनबी से आपकी भेंट हो सकती है अथवा आप कहीं बाहर भी जा सकते हैं। पांचवी राशि है सिंह। सिंह राशि वालों को आपको आज के दिन भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति एवं स्थानांतरण जैसी स्थितियां भी बन रही हैं। छठवीं राशि है कन्या। कन्या राशि वालों को आपको आज के दिन माता पिता से, भाई बंधु से अच्छे संबंध रहेंगे और कोई शुभ काम प्रारंभ कर सकते हैं। सातवीं राशि है तुला। तुला राशि वालों को शत्रु से सचेत रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें एवं कोई अटका हुआ काम आपका हो सकता है। आठवीं राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों को आपको आज के दिन पूर्ववत किसी पद पर प्रतिष्ठित नए पद की प्राप्ति एवं स्थानांतरण जैसे योग भी बन रहे हैं। नवम राशि है धनु। धनु राशि वालों को भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति एवं स्वास्थ्य आपका मध्यम रहेगा। दशम राशि है मकर। मकर राशि वालों को आज आप कहीं बाहर जा सकते हैं अथवा कोई नया व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। ग्यारहवीं राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों को आपको शनि साढ़े साथी महादशा का अंतर चल रहा है, लेकिन आपके अटके हुए वर्ष के कोई काम आज के दिन संपन्न हो सकते हैं। बारहवीं राशि है मीन। मीन राशि वालों को भाग्य का उदय, पूर्ववत किसी पद पर प्रतिष्ठित नए पद की प्राप्ति एवं स्थानांतरण जैसी स्थितियां भी आपको आज के दिन बन रही हैं। आप पुखराज नामक व्रत धारण करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।